हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं चाय के फायदा के बारे में। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में ये गलत धारणा फैलाया गया है कि जो चाय हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। ऐसा दोस्त नहीं है, चाय हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है, और उस फायदा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोकेयर में। दोस्तों, चाय के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं पॉलीफेनॉल, और पॉलीफेनॉल ग्रुप के जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये अलग अलग बीमारियों से हमें बचाता है, और पॉलीफेनॉल जब आपके बॉडी में होता है तब उसके वजह से डायबिटिक होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा आपका मोटापा होने का भी खतरा काफ़ी कम हो जाता है, और इसके साथ ही आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने का भी खतरा काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों, ये हार्ट हेल्थ को भी काफ़ी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यह भी पॉलीफेनॉल नामक जो एंटीऑक्सीडेंट है उसी का ग्रुप का है, और ये जो फ्लेवोनॉइड है ये आपके हार्ट में जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब सारा चीज़ होता है, इसको रिमूव करने का काम करता है, और ये काफ़ी हेल्दी रखता है आपके हार्ट को। चाय के अलावा दोस्तों, फ्लेवोनॉइड सब्जी में भी पाया जाता है और फल में भी पाया जाता है। इसके अलावा आपका रेड वाइन में भी पाया जाता है फ्लेवोनॉइड, और इसके अलावा आपका डार्क चॉकलेट में भी पाया जाता है। जो व्यक्ति ये सब सारा चीज़ खाता है उसका जो हार्ट हेल्थ है ये काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलता है। अगर आप चाय कंटिन्यू तरीके से ले रहे हैं उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका हार्ट अटैक का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है, स्ट्रोक होने का भी खतरा काफ़ी कम हो जाता है, इसके अलावा डायबिटिक होने का भी खतरा काफ़ी कम कर देता है, और साथ ही आप चाय ले रहे हैं इससे आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। दोस्तों, अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है उस टाइम आप चाय ले रहे हैं, देखे होंगे कि कभी कभी आप लेते हैं तो आपका जो बीपी है यह हाई हो सकता है, बट आप कंटिन्यू तरीका से जब आप चाय लेने लगेंगे तो आपका एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो बीपी है आपका बीपी जो नॉर्मल रहने लगा है। इसके साथ ही जो दोस्तों, जिस व्यक्ति को लो बीपी का प्रॉब्लम है उस व्यक्ति को भी चाय लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला तत्व लो बीपी को भी ये कंट्रोल करके रखता है। दोस्तों, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने का भी काम करता है, ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको स्ट्रोंग करने का भी ये काम करता है। बैक्टीरिया से तब जाके आपका जो बॉडी है ये बैक्टीरिया से लड़ पाएगा, जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही कमज़ोर रहेगा उस टाइम आप बैक्टीरिया से नहीं लड़ सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसका बहुत ही एक अहम पार्ट है जिसका नाम है गट फ्लोरा। गट फ्लोरा का मतलब होता है जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो आंत है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है गट फ्लोरा। वो ये आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। जब आपका गट फ्लोरा का जो संख्या है वो ज़्यादा होने लगता है उस टाइम जब आप चाय पीते हैं तब, और इसके अलावा जब आप चाय नहीं पीते हैं तो उसका जो बैक्टीरिया का जो संख्या है वो कम होने लगता है, और बैड बैक्टीरिया का संख्या जो है बढ़ने लगता है। उसके वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है इंटेस्टाइन में, वहाँ पर आपको चाय लेना चाहिए, क्योंकि आपको गट फ्लोरा को ये इम्प्रूव करने का काम करता है। दोस्त, जब आपका गट फ्लोरा ज़्यादा मात्रा में इंटेस्टाइन में होते हैं उस टाइम आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और बैक्टीरिया से लड़ने का क्षमता भी आपको हो जाता है, और इसके वजह से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या आप जानते हैं चाय जो है ये हाई शुगर को कंट्रोल करने में, कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जब आप चाय पीते हैं उसके वजह से जो आपका खाना है, खाना में मौजूद आपका शुगर है उसका जो अब्जॉर्प्शन है आपके बॉडी में वो स्लो हो जाता है, और इसके बाद जो आपका चाय जो है दोस्त ये आपका पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाज के स्टिमुलेट करके और इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है ये बढ़ा देता है। इसके साथ ही चाय में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि इंसुलिन के रेसिस्टेंस को कम कर देता है, और ये इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इसके वजह से जो आपका बॉडी का सेल है उसके अंदर शुगर जाने लगता है बहुत ही आसानी से, इसके कारण जो शुगर है उसको कम करने में काफ़ी हेल्प करता है चाय। दोस्त, जो भी हम फायदा बताए हैं ये बहुत ही जनरल दिनचर्या का बताया है, जैसे कि आप 2 से 3 कप आप एक डेली ले सकते हैं,
इसके अलावा आप इससे ज़्यादा ले रहे हैं चाय, यानी कि आप एडिक्ट हो चुके हैं चाय का, और जो व्यक्ति चाय का एडिक्ट हो चुका है इसका काफ़ी नुकसान भी होता है। तो हम बात करेंगे अगला वीडियो में इसका नुकसान के बारे में, इसका हानि के बारे में, कि जो व्यक्ति चाय ज़्यादा पीता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। अभी तक दोस्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए आप और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे मुझे मोटिवेशन मिले और भी मैं आपके लिए वीडियो बनाएं। और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में।